हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल एसओएल डिफेंस। देखिए, आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके अगस्त में ऑफलाइन एग्ज़ाम है। आप सबको बताइए, होगा आपके पहली बार ही आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसी के चलते काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर हमें ऑफलाइन एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी डाउट है, हमारे डाउट क्लियर कीजिए। तो उसी के ऊपर हम आज आपके तीन डाउट क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले एक बोनस डाउट होगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप एग्ज़ाम से पहले कैसे देख पाएंगे कि आपके आगे या पीछे एक रोल नंबर कौन बैठने वाला है, उसका नाम तक पता कर सकते हैं आप रोल नंबर के साथ। पहला डाउट तो ये हो गया। दूसरा डाउट ये है कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा और जो आपका सेंटर आएगा वो कहाँ पे आएगा, क्या जो आपने एडमिशन के टाइम जो आपने कैंपस फिल किया था उसी के आसपास आएगा या फिर कहीं पर भी आपका सेंटर आ सकता है। दूसरा डाउट तो ये हो गया। और तीसरा डाउट ये है कि आपकी फाइनल डेट शीट कब तक आ जाएगी, तो उसकी एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सपेक्टेड डेट या एग्जैक्ट डेट जो भी होगी, आज आपको डाउट क्लियर करने वाले हैं। इन्हीं तीनों के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के साथ बने रहना है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हो, चैनल सब्सक्राइब करते हो जरूर जाना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज बोनस पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि हम एग्ज़ाम से पहले देख पाए कि हमारे आगे या पीछे कौन बैठे पाएगा। ये सब कब होता था, ये स्कूल में हो पाता था पॉसिबल कि हमारे आगे पीछे हमें पता चल जाता था कि कैसे कर बैठेगा, कौन बैठेगा, कि पढ़ने वाला बच्चा है कैसा बच्चा है। तो देखिए, ये पॉसिबल है, कॉलेज में भी पॉसिबल है। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एक PDF निकलता है सोल के द्वारा ही, जिसमें सभी बच्चों के रोल नंबर लिखे होते हैं। अब बात है रोल नंबर कौन से लिखे होते हैं, रोल नंबर वो आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर, सोल रोल नंबर नहीं होने वाला है। जो आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर था जो आपने सेमेस्टर वन के OB देते हुए लिखा था, वही आपका सेम रोल नंबर होने वाला है। उसी रोल नंबर की लिस्ट आती है जिसमें आपका नाम होगा रोल नंबर के हिसाब से, उसमें आप देख सकते हैं आपके आगे और पीछे आपके कौन बैठा है। आप नाम भी पता कर सकते हैं क्या नाम है, तो वो जैसे PDF प्रोवाइड होती है एग्ज़ाम से पहले तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ मेरे आगे पीछे कोई बैठा है, कि लड़का बैठा है लड़की बैठा है, इससे आपको ये पता चल जाएगा। तो आपको ये जानकारी बहुत अच्छी बात है, ये काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता, तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और देखना कैसे ये भी मैं बता दूंगा जैसे वो PDF रिलीज़ होगा। ये तो बात है ये आपका पहला डाउट। अब आते हैं सेकंड डाउट पे कि एडमिट कार्ड कब आएगा और सेंटर का कैसे पता चलेगा। देखिए, सोल उसको एडमिट कार्ड कभी नहीं कहता, उसका सोल कहता है हॉल टिकट। हॉल टिकट आपकी रिलीज़ होती है एग्ज़ाम से 1 वीक के अंदर अंदर, 1 वीक से मतलब पहले पहले रिलीज़ हो जाएगी, या तो एग्ज़ाम से 7 दिन पहले हो जाएगी, या फिर 6 दिन पहले हो जाएगी, या 5 दिन पहले हो जाएगी, या 4 दिन पहले, या 3 दिन पहले, मतलब 2 से 3 दिन पहले तो आ जाती है। ये नहीं कि आपके 1 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, तो आपको सोल आपको 2 से 3 दिन का मौका देता है, तो ये मान के चलिए 3 से 7 दिन मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ये बात तो मैंने आपको फाइनल कर दी कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। अब बात रही आपका कैंपस कैसा पता चलेगा या फिर आपका सेंटर कहाँ है। देखिए, उसी एडमिट कार्ड में आपका सेंटर भी लिखा होगा, जैसे इनका सेंटर लिखा है दयाल सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लोडी रोड न्यू दिल्ली 11003। तो ये बात रही। देखिए, अब ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपने एडमिशन के टाइम आपने कैंपस फिल करा है साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस उसके आसपास आएगा, या आपका जो सेंटर है वो कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा आपको रेगुलर कॉलेजेस में आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। तो अगस्त में सारे कॉलेजेस जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही है बाकी सेमेस्टर के वो बंद हो जाएगी और आपके एग्ज़ाम पे फोकस किया जाएगा, तो सारे कॉलेजेस आपके लिए ओपन कर दिए जाएंगे। तो आप इसी बहाने आप सोल की जगह रेगुलर के भी कॉलेज देख पाएंगे। काफ़ी बड़े कॉलेजेस होते हैं, काफ़ी रूम होते हैं, मैं उनके सारे उनके बारे में आपको बाद में बता दूंगा एग्ज़ाम से पहले। अभी ये मान के चलिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंटर आपका कहाँ तक आ सकता है। देखिए, आपका सेंटर कहीं पर भी आ सकता है, कोई नहीं कह सकता कहाँ आएगा, वो जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपका सेंटर कहाँ है। ये मत मान के चलिएगा कि मैं साउथ कैंपस में रहता हूँ तो साउथ के पास ही आएगा, नॉर्थ में रहता हूँ नॉर्थ में आएगा। ये तो बात रही आपकी सेकंड डाउट क्लियर। अब बात रही थर्ड डाउट, आपकी फाइनल डेट शीट कब आती है, क्या ऐसा फाइनल डेट शीट जैसा कुछ होता भी है सोल के अंदर या नहीं। देखिए, सोल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, सोल के अंदर एक होती है टेंटेटिव डेट शीट जो काफ़ी 1 महीने के अंदर अंदर आपकी प्रोवाइड करा दी जाती है। वो अभी रिलीज़ हो ही गई थी, काफ़ी हफ्ते 2-3 हफ्ते हो गए, आप जाके देख सकते हैं। उसी के एग्जैक्ट डेट शीट तो नहीं कह सकते, उसी के लगभग आपकी फाइनल डेट शीट होती है। अब बात रही फाइनल डेट शीट कब आती है, देखिए फाइनल डेट शीट जैसा कुछ नहीं होता, कभी आती नहीं है। फाइनल डेट शीट आती है आपके एडमिट कार्ड के साथ ही, एडमिट कार्ड के अंदर ही अटैच होती है, जिसमें आपकी देख सकते हैं फाइनल डेट शीट लिखी होती है। ऐसे लिखा होगा, जो भी आपका पेपर का नाम है वो यहाँ लिखा होगा, जो आपका एग्जाम कोड है वो लिखा होगा, पार्ट यहाँ आप सबके लिखा होगा सेकंड सेमेस्टर, डे भी लिखा होगा कौन सा डे जाना है, और डेट भी लिखी होगी और टाइमिंग भी। तो टाइमिंग आपको जरूर देखनी है, देख सकते हैं 9 बजे 9 बजे आपके 2 ही स्लॉट होने वाले, एक तो 9 बजे पेपर लिया जाएगा और एक 3 बजे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके एडमिट कार्ड में क्या दिखा रहा है, आपका 3 बजे पेपर है या 9 बजे पेपर है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा। नीचे आपके साइन होंगे ऑफिसिटिक प्रिंसिपल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग उमाशंकर पांडे जी, जो प्रिंसिपल है आप सबको पता ही है, और जो प्रोफेसर DS रावत है ये डीन है एग्जामिनेशन के,
ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एडमिट कार्ड पे सब कुछ डिपेंड है। तो अभी सब आप अपने क्या कहते हैं स्टडी पे फोकस कीजिए, आप इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। जैसे कोई अपडेट आएगा, मैंने आपको बोनस पॉइंट बता दिया है, वो मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा कि आपको रोल नंबर कैसे चेक करना है, आप कैसे पता चलेगा कि आपका दोस्त या कोई भी है बैठने वाला आपके आसपास है या नहीं। तो बस आज आपको इतना ही बताना था। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर की जरूर कीजिएगा लोगों के साथ, ताकि और भी स्टूडेंट्स को पता चले कि हाँ ये लफड़ा भी होता है सोल के अंदर। चलिए फिर अगली वीडियो मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।